हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ह्रास की विधियों का वर्णन किया था, अर्थात हम लोगों ने देखा था कि ह्रास की कौन कौन सी विधियां हैं। उन्हीं में से जो हमारी पहली विधि है सरल रेखा पद्धति या स्थाई किस्त पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी को देखेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया था कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है क्या। आज मैं ये वीडियो कुछ जुगाड़ करके, ये नीम के पेड़ के सहारे मैंने इस व्हाइट बोर्ड को लगाया हुआ है। नीम के पेड़ के नीचे हूँ, नीम के पेड़ की छाया है, दोपहर का समय है, धूप बहुत है, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे बहुत ठंडा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है, अच्छा एकदम नेचर में प्रकृति के बहुत करीब होकर इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि ये बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से नहीं लग पाया है, टिका दिया है किसी तरीके से बोर्ड को नीम के पेड़ में, और इधर हरे भरे पेड़ पौधे और भी हैं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या, सरल रेखा पद्धति है क्या। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि एक मशीनरी है, उसका दाम 50,000 रुपये है ना, और उस मशीनरी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाया जाता है। 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। एक मशीन है, ए लिमिटेड ने एक मशीन 1 जनवरी 2010 को 1,00,000 रुपये में खरीदी। उस मशीन को खरीदा कितने में, 1,00,000 रुपये में, और 10% प्रतिवर्ष की दर से उस पर ह्रास लगाया जाता है। 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार करिए, है ना, 50,000 की मशीनरी खरीदी गई, 10% की दर से ह्रास आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है, मशीन खाता बनाना है। क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट बनेगा तो डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, आई होप सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लगभग दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड भी तिरछा लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही, लेकिन आप उम्मीद है आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे। जिस तरह से कोई भी खाता बनाते हैं उसी तरह से भी खाता बन रहा है, मशीनरी अकाउंट आपका बन रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो मशीनरी है वो 2010 में 1 जनवरी को खरीदी गई है ना, 1 अप्रैल मान लेते हैं सीधे, 1 अप्रैल को एक मशीन कितने में खरीदी गई, 50,000 रुपये में। तो जब मशीन खरीदेंगे तो आपको पता है मशीनरी खरीदने पर क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट या टू कैश, मशीन आएगी कैश जाएगा। मशीनरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे टू कैश, या बैंक भी लिख सकते हैं आप, टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000 रुपये, ठीक। अब 2010 के बाद 2000, क्योंकि कब होगा, 31 मार्च को, तो 2011 आएगा, 31 मार्च, इसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे वर्ष के अंत में, बाय डिप्रिसिएशन, कह रहा है कि 10% डिप्रिसिएशन निकालना है, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये, है 5,000 आपका डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्रिसिएशन निकालना कैसे करेंगे, डिप्रिसिएशन निकालना है तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए संपत्ति का मूल्य इंटू ह्रास का रेट बाय 100, 50,000 गुणित 10/100, 5,000 रुपये। अब 31 मार्च को जो मशीनरी की वैल्यू बचेगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
50,000 की थी, 5,000 वर्ष के अंत में ह्रास हो गया, तो वास्तव में अब मशीनरी जो हमारी बची है वो बची है 45,000 रुपये की, है कि नहीं? 45,000 रुपये की मशीनरी आपकी बची है, पहला एक वर्ष का आपका खाता बन गया। ये बैलेंस आपका 2011 1 अप्रैल को आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 45,000 रुपये, 45,000 रुपये हो गया। अब ये देखिए 2011 फर्स्ट चेक बन गया, अब यहाँ आएगा 2012 31 मार्च, अब फिर से हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डिप्रिसिएशन आपका पर ईयर वही रहेगा, तो आपको फिर से यहाँ 5,000 रुपये दिखा देना है ना, 5,000 रुपये आपने यहाँ दिखा दिया। अब 31 मार्च को ही बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचेगा 40,000 रुपये, 2nd ईयर की मशीनरी का मशीनरी अकाउंट बन गया। अब थर्ड ईयर में आएंगे 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी हमारी कितनी बची है, तीसरे वर्ष के अर्थात तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में हमारी मशीन है 40,000 रुपये की। फिर आपका तीसरा वर्ष जो होगा 2013 31 मार्च, उसका बाय डिप्रिसिएशन निकलेगा कितना, वही रहेगा 5,000 रुपये। बैलेंस आपका कितना बचा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 40,000 था, 5,000 कम हो गया 35,000, तो इस तरह से हमारा 3 वर्ष का मशीन खाता बन गया। यहाँ हम तीसरे वर्ष के अंत का चौथे वर्ष के प्रारंभ में दिखा देंगे 2013 1 अप्रैल को जो मशीन है हमारी वो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने की है 35,000 रुपये की है, तो वह मशीनरी ये आपका हो गया अकाउंट क्लोज। वह मशीनरी जो 2010 1 अप्रैल 2010 में 50,000 रुपये की खरीदी गई थी, 3 वर्ष बाद उसका दाम कितना है 35,000 रुपये, अर्थात वो जो मशीन है वो 3 वर्ष बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो 35,000 रुपये होगी। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन होंगे जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बहुत ईजी है। डिप्रिसिएशन निकालना मशीनरी अकाउंट होगा, बिल्डिंग अकाउंट, कोई भी फिक्स एसेट्स जो होगी उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, इस तरह से कोई भी अकाउंट आपको बनाना होगा। इसी तरीके से 3 साल का है 5 साल के लिए होता, 5 साल बनाते, 10 साल का दिया होता तो ये 10 साल चलता। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन मेथड पहला मेथड है उससे हमने बनाया। अगले वीडियो में हम लोग अगला क्रमागत को देखेंगे कि कैसे क्रमागत मेथड से हम ह्रास निकालेंगे। आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने का प्रयास करिए, अभी उम्मीद कम लग रही है कि कब तक हम लोग क्लास में बैठ करके, कब तक एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके चीज़ों को सीखेंगे, तो जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होती हैं, इस तरह से हम लोग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसी में आपके पास बुक्स भी नहीं होंगी, तो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसी से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए, निश्चित रूप से कुछ समय बाद चीज़ें सामान्य होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।